डाल दिया। और ये सारे मोरा, वो जो मोरा होते हैं जो आजकल दूल्हा पहने, वाकी लड़ी तो हाथ से हटानी पड़ती है, ये तो ऐसा मोरा है कि बाबा इशारा भर कर दे सब अपने आप हट जाते, अपने ही आप लाइव मोरा, बोलना भी नहीं पड़ता। कब बाबा को सामने देखना है, अपने आप सब किनारे मोरा तैयार हो गया। बोला अरे कछु पाउडर साउडर कछु दूल्हा सरकार के उबटन उबटन कुछ लगा नहीं है, अरे कुछ तो लगाओ। महादेव वैसे कर्पूर गौरम है, पर शिवगढ़ ने कहा दूल्हा बने तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। अब ये गए शमशान, शमशान जब पहुंचे वहां जाने के बाद एक चिता अभी अभी ठंडी हुई थी, अभी अभी शांत हुई थी, वहां की उठाई राख और राख ला करके बाबा के पूरे शरीर पर पोत दिया। बोला लो पाउडर का काम खत्म। गले तो गले में तो कछु है ही नहीं, सूना लग रहा है दूल्हा का गला पूरा। तो बोला एक एक छोटा वाला हार होता है एक बड़ा हार होता है, वो दोनों के बिना अधूरा, छोटा हार क्या पहनाए। तो एक बड़ा सा सर्प लिया और बाबा के कंठ में लपेट दिया, छोटा हार है ये, और उसके ऊपर भी कंठ में बाबा के विष शोभा दे रहा है। बोला बड़ा हार? बोला अरे पहले नहीं बताया, जहां से पाउडर लाए वहीं पे बड़ा वाला हार था, अब ये लेके आ। फिर गया शमशान, पहुंचा वहां पे, जितने मुंड पड़े हुए थे ना नरमुंड, 30-40 नरमुंड उठाए, सारे नरमुंडों को एक सांप में पिरोया और पिरोने के बाद बढ़िया गांठ लगा के बाबा के गले में डाल दिया। बोला लो एक छोटा हार और दूसरा बड़ा हार, और कुछ देख के बताओ। बाबा इतने प्रसन्न भए, शिवगढ़ों ने कहा बाबा 2 मिनट और, कान में और बचा है, हाथ में बचा है थोड़ा जनेऊ। वासुकी सर्प की जनेऊ तैयार की गई, हाथ में सर्प पहनाए, कान में बिच्छू लटका दिए। और एक बात ख्याल रखिएगा, ये पहली बार श्रृंगार कर रहे हैं, पर मैनेजमेंट इतना अच्छा है, कोई भी सांप छोटा बड़ा नहीं है, जितना बड़ा यहाँ हाथ में उतना ही बड़ा, जिस कलर का यहाँ है उसी कलर का, कोई मिसमैच तो है ही नहीं यहाँ पे। अब पूरा बोला बाबा हो गया। बाबा ने देखा मेरे बच्चों ने मुझे सजाया, बाबा प्रसन्न हो गए, एक हाथ में त्रिशूल और डमरू। भैया थोड़ा वॉइस बढ़ाइए। जैसे महादेव ने देखा खड़े हुए, शिवगढ़ों ने कहा अरे पूरा श्रृंगार तो किया पर बाबा को पहनाएंगे क्या, क्योंकि नारद जी ने कहा है नगन अमंगल वेश, क्या पहनाए आज तो ससुराल जाएंगे। शिवगढ़ों ने कहा चिंता क्या है, जहाँ पे बैठते हैं वही को उठाएंगे और लपेट देंगे, जो बैठ रहे थे आज वो पहनने में काम आ जाए। अच्छा पहना देते। अब वो जो बाघांबर था, बाघांबर को उठाकर और बाबा के कमर पर लपेट दिया। बाघांबर लपेटा तो लपेटने के बाद अब वो कोई धोती तो है नहीं कि बढ़िया एक गांठ मार दी दो गांठ मार दी और धोती टिकी पड़ी है कमर पे। अब वो है बाघांबर, उसमें तो गांठ भी ना लगेगी तो टिके कैसे। तो वो जो मोटा वाला सांप छूट गया था ना थोड़ी देर पहले, जो आया था कि हमें भी मोरा में शामिल कर लो, शिवगढ़ों ने कहा यहाँ तुम्हारा काम लग गया, इधर आ। हाँ हाँ क्या है, क्या जी जी आज्ञा करिए मालिक, क्या क्या। बोला सबसे जरूरी काम देने जा रहे तुम्हें, अब पूरे हमारे ससुराल के मान मर्यादा सब की जिम्मेदारी तो ये ऊपर है, काम बताओ सरकार। बोला ये बाघांबर में तो ये हम लपेटेंगे, बाघांबर पहना के वाके ऊपर तुही को रस्सी के रूप में बांधेंगे और हम चाहे नाचे कूदे फांदे हीले डोले तो ये अपनी जगह से हिलना, हिलोगे नहीं। बोला पक्का वादा नहीं हिलेंगे, बांध दिया। भगवान शिव के एक एक श्रृंगार से संकेत है, भगवान शिव का श्रृंगार साधारण नहीं है, कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है, कुछ ना कुछ समझा रहा है। भगवान शिव ने शरीर पर राख मली है, क्या मली है बोलिए, राख मली है। मानो भगवान शिव ने संकेत दिया कि ओ भैया चाहे जितने महंगे तेल साबुन पाउडर क्रीम फेशियल एशियल जो भी करना है कर लो, पर जो फाइनल डेस्टिनेशन में बनना है वो तो ये राख ही।
कितना भी कर लो, दुनिया घुमाओ, पर अंतिम ठिकाना तो अपना, आखिरी स्वरूप तो अपना यही है। बाबा ने कहा तुम बाद में बनोगे, हम पहले से ही लगा के घूम रहे हैं, पहले से। महादेव के कंठ में सर्प है, आभूषण की जगह सर्प पहनाया है। मानो कहा गया कि हम और आप जब अपने आभूषणों में इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। ये सर्प को ना काल का प्रतीक माना गया है, काल का स्वरूप माना गया है। भगवान शिव का ये संकेत है कि चाहे जितनी आसक्ति कर लो, पर काल के गाल में एक दिन सभी को समाना ही, ये आभूषण हमें बचा नहीं सकते हैं। भगवान सारे आजकल जितने भी लोग हैं वो घोड़ी चढ़ करके विवाह करने जाते हैं। दूल्हा किस पे बैठता है? हैं? घोड़ी पे। हमने तो यह भी देखा है, अगर ज्यादा सीजन तेज होता है तो कई बार घोड़ी नहीं मिलती है ना, तो जो घोड़ी वाले होते हैं वो गधा को भी सजा धजा के बढ़िया भेज देते, बढ़िया वो टोपा टोपी लगा दिए। अब कहाँ पर कोई पूछे घोड़ी तुम्हारी छोटी नहीं, बच्ची है अभी। अब दूल्हा को लगे हम बैठे हैं घोड़ी, वाय का पता हम तो जा रहे गधे पे बैठ के, का मालूम सारी दुनिया घोड़ी चढ़े, हमारे बाबा वृषभ पर सवार होकर बैल की सवारी करके चले हैं। बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। ये गृहस्थ आश्रम के लिए जब बाबा जा रहे हैं, भगवान शिव ने संकेत दिया कि गृहस्थ आश्रम में अगर आप प्रवेश करिए तो धर्म के साथ। जीवन में मूल आपके धर्म होना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम केवल आसक्ति भोग सुख के लिए नहीं है, ये गृहस्थ आश्रम धर्म को निभाने के लिए मिलता है। इसको प्राप्त करके धर्म का मार्ग ग्रहण किया जाए। बाबा तैयार हैं, ये जितने सज धज के देवता बैठे थे, जब सारा श्रृंगार इनका पूरा हुआ सब हाजिर, चले बाबा अब चले, बोल पाते वाके पहले दुल्हा सरकार का रंग रूप देखा, ओ हो 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 हो, ये इनके साथ हम जाएंगे, इस जन्म में तो इनका विवाह होने वाला। भगवान विष्णु ने जब देखा, भगवान विष्णु ने सारे देवताओं से कहा सुनो, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर, दूल्हे के लायक ये बरात नहीं है। दूसरे के नगर में जाके सब हंसी कराओगे, ये नहीं कहा बरात के लायक दूल्हा नहीं है। ये क्या कहते हैं कि ये जो दूल्हा सरकार है ना, इसके लायक ये बरात नहीं है, तो क्या करें हम, बोला तुम सब पहले निकल जाओ। भगवान विष्णु भी जानते हैं कि भगवान के असली संगी साथी कौन है, भूत प्रेत, और जब तक ये देवता यहाँ रहेंगे तब तक वो बेचारे कैसे ये बारात ज्वाइन कर पाएंगे। सारे देवताओं को भेज दिया, चल दिए सब। नंदी ने कहा ले ओ बाबा बाराती भाग गए, बाबा गए बाराती, कहिए तो दौड़ करके पहुंचू आगे। बाबा ने कहा काहे को भागना है, रुको, तो बाबा ऐसे खाली खाली जाएंगे बिना बारात के दूल्हा? भगवान शिव ने कहा वो हमारे लायक थोड़ी ना थे, अरे आनंद तो अपनों के साथ आता है। नंदी महाराज ने कहा पर अपने वालों को कोई न्योता ही ना दिया, कोई नहीं बुलाया, हमारे वाले सब बेचारे, कोई चिट्ठी ना पत्री कोई गया ही नहीं। भगवान शिव ने कहा हमारे वालों को आज तक किसी ने न्योता नहीं दिया, आप बताओ। सबका कार्ड निकाल के अलग धरते हैं, कुल देवी देवता ग्राम देवता, आज तक कभी भी भूत भगवान के लिए एक कार्ड साइड में करा, हे भूत भगवान। सादर सा परिवार पधार करके वर वधु को आशीर्वाद दे के अनुग्रहित करना, वो पधार जाए अगर विवाह में तो एक ही चीज याद आती है, भूत पिशाच निकट नहीं। बाबा ने कहा यही कहीं छुपे होंगे, बुलाओ। अब जैसे ही तुतुहरी फूकी गई और एक बार जय होश किया गया, हर हर महादेव, जितने भूत प्रेत थे सारे के सारे आकर हाजिर हो गए। खाली देशी नहीं है, विदेशी भूत भी आए हैं। अरे भगवान शिव केवल भारत के भूत के स्वामी थोड़ी ना है, वो पूरे संसार के भूतनाथ हैं।
सारे भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं किसी के मुख ही नहीं है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। ऐसे ऐसे विचित्र भूत प्रेत आए हैं, कई बराती ऐसे हैं, कई भूत ऐसे हैं कि आंख है नाक है, जहां मुंह की जगह यहां सपाट, कुछ नहीं, किसी के एक भी हाथ नहीं है, किसी के कान में से हाथ निकले हुए हैं, किसी के पेट में से पैर निकले हैं, किसी के पूरे शरीर पे मुख ही मुख है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत जब आए, सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और यहाँ से अब बाबा की बारात निकली है। तो भैया बारात में सारे भूत प्रेत तो आ गए, अब जरा हम और आप भी भाव के साथ अपने भगवान शिव के बारात में सम्मिलित होते हैं। भोला आया जी बारात लेके गौरा जी के द्वार, भोला आया रे भोला आया रे बारात लेके गौरा जी के द्वार, अरे भोला आया रे ओ भोला
दिन का बच गया हाहाकार। भोला आया रे, भोला आया रे, भोला आया रे, बारात लेके गौरा जी के द्वार। भोला आया रे, भोला चले और देवताओं वाले तो आगे पहुंच गए थे, तो पहले चले तो पहले पहुंच गए। अब हिमाचल नगरी के जितने बड़े बूढ़े थे बढ़िया वाहनों पे चढ़ चढ़ के बारात की अगुवाई करने गए। आपके यहाँ अगवान जाते हैं? अगवान, अरे वो जो बारात आती है तो बड़े बुजुर्ग स्वागत करने नहीं जाते? हाँ, तो उसी को अगवान कहते। हमारे हाथ में माला जलपान की व्यवस्था लिए सारे हिमाचल नगरी के लोग पहुंचे। ये सारे देवता देवता पहले आए हैं। अगवानों ने जब देखा, माला डाली, शरबत पिलाया जा रहा, आम रस का बढ़िया जलपान करिए। जब इतने सुंदर सुंदर बराती देके भगवान विष्णु को देखकर एक तो सोचने लगा, यही दूल्हा है, आप ही दूल्हा हो। भगवान विष्णु का ना 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 ना, हम बराती हैं। अब ये अभी तक तो भगवान विष्णु को देखकर खुश था,
पर जैसे ही पता चला कि ये बराती हैं, ये दुल्हा नहीं है, तो लगा नाचने, घोड़ा पे बैठे बैठे नाचने लगा। खूब नाचा खूब नाचा। ठाकुर जी ने कहा, काहे को नाच रहे हो? बाबा ने कहा, हम यही सोच रहे हैं जब बराती इतने सुंदर है तो हमारा दुल्हा कितना सुंदर होगा। ठाकुर जी ने कहा, नाच ले बाबा, नाच ले। वहां के बाद पता नहीं असली बराती देख के तो ये प्राण बचे कि ना बचे। नाच ले एक बार, खूब नाचा। अच्छा, ये सारे जितने थे इनका स्वागत सत्कार चल रहा। अब चलते चलते असली बराती आए पाछे वाले। ये पीछे वाले जब आए तो ये अगवान एक देवता को माला पहना रहे थे और दूसरे जो साथ में थे वो आम रस पिला रहे थे। आम रस पिला रहे थे। तो जैसे ये ग्लास में ये पड़ रहा है तब तक हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर देखिए कहाँ से ऊपर निगाह पड़ी। अब ये शरबत डाल रहे ऊपर, देख रहे देख रहे, और इधर आम रस बह के नीचे गिरने लगा। ये ऊपर ही देखे, गिलास जग कांपना शुरू। बगल वाले ने कहा, अरे नीचे देखो नीचे। इसने कहा, अरे ऊपर देखो ऊपर। आए गए। अब जैसे वो भूत, ये अगवान तो अब बेचारे चूंकि बड़े बूढ़े लड़के वड़के हुए तो भाग ले दौड़ के। अब ये ना घोड़ा से उतर पावे ना भाग पावे। अब ये सब ठाड़े के ठाड़े। अब ये जितने आकाश वाले थे सब नीचे आए। बिना सिर का वराती कहता है, अब बिना मुंह न सिर। अब जब सिर ही नहीं है तो मुंह कहाँ से रहेगा। आके अगवान से कहता है, महाशय हमें माला नहीं पहनाओगे? हमें भी जलपान कछु। अब ये बेचारे के प्राण ना बच रहे जलपान की, कौन कहे कौन कहे। कांपे जा रहा कांपे जा रहा। अच्छा, ये तो इनको अब किनारे कर दो। छोटे छोटे बच्चों को मैया लोगों ने कहा, जैसे माताएं नहीं कहते, जा देख क्या बारात आई कि नहीं तब हम जाएंगे। अब घर की माताओं ने लड़कन को भेज दिया, जाओ देख क्या तब बताना तब हम जाएंगे। अब ये चल दिए। जब पहुंचे बारात का वो स्वरूप देखते ही घर में आए और तुरंत आकर अपनी मैया से कहने लगे, माई दरवाजा बंद कर। माँ दरवाजा बंद करो, क्या हो गया? अरे माँ, कहाँ भेज दिया था हमें? मरने के लिए भेजा था क्या? प्राण निकलते निकलते रह गए, जल्दी दरवाजा बंद करो, क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोलते? अरे माँ क्या बताएं, कौन आया है? अरे यमराज के सारे सेना वाले आ गए। जितनी सेना यमराज की है सारी हिमाचल नगरी में आई। माताओं ने कहा, रे वो छोड़ो, सभी आदरणीय भैया जी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से साधन। निवेदन कर रहे थे बच्चों ने कहा, माँ कहाँ भेजा था? अरे बारात के लिए तो भेजा था, कैसी बारात आई? माँ बारात नहीं, यमराज की पूरी सेना है। माताओं को लगा, छोटे छोटे बच्चे क्या पता इनको। अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? बोला, वही तो असली यमराज है, उसी के साथ ही में तो ये सब आए हैं। असली वही है, कैसा है? बच्चों ने कहा, बर बौराह। अरे माँ वो दूल्हा तो बावला है, बावला है दूल्हा, और आपको पता है नग्न अवस्था में आया है। हमने तो अभी पहले पढ़ा ना कि बाघांबर पहन के बाबा पधारे, पर बच्चों को क्यों ऐसा लगा? क्योंकि मेरे बाबा ने ऊपर केवल भस्म का लेपन किया है। बच्चों ने कहा, बताओ जाने ऊपर नहीं पहना तो ऐसे आया, पक्का ये ऐसी अवस्था में जाकर। बच्चे अपनी माँ से कहते, माँ कछु नहीं पहन के आया ऐसा। अरे वो बारात वो दूल्हा ऐसा दूल्हा। अरे माँ, माँ ने कहा, तुम सबको कुछ नहीं पता, हम जा रहे, हम बारात देख के आएंगे, दूल्हा देख के आएंगे। बच्चों ने कहा, माई एक बात बताओ, धर्म पुण्य करी हो? पुण्य किए हो जिंदगी में? माओ ने कहा कि ये बताओ, बारात देखने के लिए पुण्य की कौन सी जरूरत है? बच्चों ने कहा है कि ये बारात और दूल्हा देखने के बाद खाली वही बचेंगे जिनके पुण्य होंगे, जिनके ना होंगे वो निपट जाएंगे।
जो जियत रही बारात देखत पुण्य बड़। और बड़े पुण्य वाले बचेंगे, छोटे मोटे वाले भी ना बचेंगे, वो तो बारात को देखते ही साफ। अब ये सारे लोगों ने जो कहा, अच्छा हिमाचलपुर वासियों को ये पता था कि वर अटपटा है, पर इतना अटपटा है ये किसी को? अब सासु मैया बढ़िया थाली वाली सजा के आई दुल्हा का परछन करने। परछन होता है ना, द्वार पे आती है सासु, आरती की थाल है, परछन करने आई है। अब हमारे संत जन कहते हैं कि हमारे बाबा नंदी पर सवार होके आए हैं, बैल पे बैठ के आए हैं, वो भी उल्टा, बैल का मुंह यार बाबा का मुंह। अब जब वृषभ उल्टा भय तो बाबा सीधे भय। अब जैसे ही सासु माँ ने आरती उतारी, आज माँ का भाव ये है, आज ऐसी आरती जमाई की उतारूंगी, मेरे जमाई भी कहेंगे मेरी सासु माँ ने कितनी भव्य आरती उतारी थी।